केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे राम मंदिर उद्घाटन की तारीख जाहिर करी छे। अमित शाहे त्रिपुरा में एक जनसभा दरमियान कहूं कि आवता वर्षे 1 जानुआरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर उद्घाटन करवामां आवशे। अमित शाहे जनसभा में कांग्रेस पर पण अनेक आकरा प्रहारों कर्या हता। शाहे कहूं कि हूं अहीं एक बात कहवा आव्यो छूं। 2019 भाजपना अध्यक्ष था, ए समय राहुल गांधी कांग्रेसना अध्यक्ष था। शाहे कह्यु के ए समय राहुल बाबा रोज पूछता हता त्या मंदिर बनशे, तारीख जाहिर करवामां आवशे नहीं। बीजेपी नेताए कह्यु राहुल गांधी आजे कान खोलीने सांभळवुं जोईए, 1 जानुआरी 2024 ना रोज अयोध्यामां गगनचुंबी राम मंदिर तैयार थई जशे। शाहे कह्यु कि कांग्रेसनी साथे अन्य विपक्षी पार्टीओ पण राम मंदिरना निर्माणनी तारीखने लईने प्रश्नो पूछती हती। आ प्रश्न चूंटणी सभाओमां पण उठ्यो हतो, तो हवे अमित शाहनी आजे जाहेरात करवामां आवी छे। जाहेरात बाद विपक्षने जवाब आपवानी साथे साथे मुद्दो पण एमना हाथमांथी निकळी गयो छे। आ साथे शाहे कह्यु कि कांग्रेसे राम मंदिरना मुद्दाने लांबा समय सुधी कोर्टमां फसावी राख्यो। एमने कह्यु कि सुप्रीम कोर्टना निर्णय बाद राम मंदिर निर्माणनो रस्तो साफ थई गयो छे। आ पछी वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए राम मंदिर निर्माणने आगळ वधार्यु, तो आ साथे ज सुप्रीम कोर्टना निर्णय बाद राम मंदिर निर्माण नु काम पूर जोशमां चाली रह्युं छे। नवेम्बર 2019 सुप्रीम कोर्टे अयोध्यामां विवादित स्थळ पर राम मंदिरना निर्माणनो मार्ग साफ कर्यो, तो मस्जिदना निर्माण माटे केन्द्र सरकारने 5 एकरनो प्लॉट फाळवा माटे पण एमना द्वारा निर्देश आपवामां आव्यो। सुप्रीम कोर्टना निर्णय बाद वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए अयोध्यामां राम मंदिरना निर्माण माटे 5 ઓગસ્ટ 2020 रोज भूमिपूजन कर्युं हतुं। मैं एक बात बताने आया हूं, 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। मेरी तो राहुल बाबा रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिले।